आसाम के साथ मेरी कुछ मोहब्बत ज़्यादा ही हो गई है। आसाम के लोग भी बहुत प्यार करते हैं और मैं न्यायतंत्र का सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ हमारी जो भी जुडिशियल प्रोसेस है। मैं खुद एक वकील हूँ, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, तो भले मेरे खिलाफ केस गलत हुआ, फर्जी हुआ, कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड फ्रिवलस केस हुआ, लेकिन फिर भी जो भी न्यायिक प्रक्रिया है मैं उसका सम्मान करूँगा। जब भी आसाम की कोर्ट आदेश करेगी, जब भी मुझे बुलाएंगी, मैं ज़रूर आऊँगा और जो भी प्रक्रिया है मैं उसका उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। आज शायद मुझे मेरे वकील से जो बात हुई उसके मुताबिक आज शायद मेरे खिलाफ़ चार्जशीट फ्रेम होने वाले हैं और आने वाले दिनों में भी आसाम की कोर्ट बुलाएंगी तो मैं आऊँगा और आसाम की जनता बुलाएगी तब भी आऊँगा। 5 तारीख हाँ, मेरी एक बहुत सीरियस ट्रीटमेंट भी चल रही है और मैं ज़्यादा लंबा चल नहीं सकता हूँ, कुछ सीरियस डिसीज़ मुझे डायग्नोज हुआ है, लेकिन फिर भी जब भी पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली कोर्ट के सामने पेश करूँगा। और उम्मीद है यहाँ के CM से, उनको पिछली बार भी बोला था, इस बार भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे खिलाफ़ नहीं और भी किसी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार का पॉलिटिकल वेंडेटा या पॉलिटिकली टारगेटिंग नहीं होना चाहिए। इतना जुडिशरी ने जब मुझे बेल दिया तब साफ तौर पे कहा था कि FIR फॉल्स है, फ्रिवलेस है, मैन्युफैक्चर्ड है, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ ये परेशानी झेलनी पड़ती है तो ये ठीक नहीं है और आसाम की सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और इस प्रकार का पॉलिटिकल वेंडेटा हमारी डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और मैं न्यायतंत्र का सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ हमारी जो भी जुडिशियल प्रोसेस है। मैं खुद एक वकील हूँ, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, तो भले मेरे खिलाफ केस गलत हुआ, फर्जी हुआ, कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड फ्रिवलस केस हुआ, लेकिन फिर भी जो भी न्यायिक प्रक्रिया है मैं उसका सम्मान करूँगा। जब भी आसाम की कोर्ट आदेश करेगी, जब भी मुझे बुलाएंगी, मैं ज़रूर आऊँगा और जो भी प्रक्रिया है मैं उसका उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। आज शायद मुझे मेरे वकील से जो बात हुई उसके मुताबिक आज शायद मेरे खिलाफ़ चार्जशीट फ्रेम होने वाले हैं और आने वाले दिनों में भी आसाम की कोर्ट बुलाएंगी तो मैं आऊँगा और आसाम की जनता बुलाएगी तब भी आऊँगा। 5 तारीख आप नहीं आए? हाँ, मेरी एक बहुत सीरियस ट्रीटमेंट भी चल रही है और मैं ज़्यादा लंबा चल नहीं सकता हूँ, कुछ सीरियस डिसीज़ मुझे डायग्नोज हुआ है, लेकिन फिर भी जब भी पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली कोर्ट के सामने पेश करूँगा। और उम्मीद है यहाँ के CM से, उनको पिछली बार भी बोला था, इस बार भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे खिलाफ नहीं और भी किसी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार का पॉलिटिकल वेंडेटा या पॉलिटिकली टारगेटिंग नहीं होना चाहिए। इतना जुडिशरी ने जब मुझे बेल दिया तब साफ तौर पे कहा था कि FIR फॉल्स है, फ्रिवलेस है, मैन्युफैक्चर्ड है, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ ये परेशानी झेलनी पड़ती है तो ये ठीक नहीं है और आसाम की सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और इस प्रकार का पॉलिटिकल वेंडेटा हमारी डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। Thank you.